सुबह में है। आ रही है खुशियों की बहार, सच्चे होंगे अब सारे ख्वाब। सच गया तोहफों का मेला, बदलो अपनी जिंदगी, चमकाओ अपनी किस्मत का सितारा, क्योंकि ये सब कुछ हो सकता है तुम्हारा, क्योंकि ये है जीत का समय। That's it. Good morning. कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल जीतना है? किसको चाहिए मोबाइल? अच्छा, सारों ने हाथ उठा लिया। जरा जोर से तालियां बजा के बताएं, मोबाइल चाहिए। 1 2 3 गो। जीत के समा के पासेस किसको चाहिए? गाड़ी जी, ये बड़ी अच्छी बात है। सबके सब ये इनको, कैथरीना कैफ किसको चाहिए? उनमें से एक लड़की ने हाथ उठाया फिर हाथ नीचे कर लिया। नो, कैथरीना नहीं चाहिए। अब जो मैं जिसको बुला रहा हूँ आपको वही चाहिए, मैं नहीं चाहिए। रीजन ये, ऑनेस्टली रीजन ये, मैंने बहुत बड़े आई थिंक मुझे सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं। नाश्ता वगैरह अगर नहीं बनाया तो आज स्किप ही कर दें नाश्ता, क्योंकि आप एक मिनट भी इस शो का मिस नहीं कर सकते। उसका रीज़न है, कम लोग ऐसे होते हैं जिनका जब इंटरव्यू होता है तो मैं 2-3-4 दिन 5 दिन एक हफ्ता पहले से खुश होता हूँ। सबके साथ मिलकर खुशी होती है, लेकिन कुछ लोग दिल के बहुत करीब होते हैं। ये दिल के करीब इसलिए नहीं है कि ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, बल्कि पाकिस्तान के उन चंद नामों में से एक है जो सबसे बड़े नाम है, लेकिन ये दिल के करीब इसलिए है बिकॉज इसके अंदर का इंसान बहुत अच्छा है। आप लोग इनको फनकार के तौर पे जानते हैं, मैं इनको इंसान के तौर पे जानता हूं। आप लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज ही इज एन आइकॉन, ही इज अ लेजेंड। मेरे लिए एजाज की बात है कि मैंने इनके साथ खाना खाया है, इनको गाते हुए सुना है, इनके साथ एक ही फ्लोर पे मैंने शोज किए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी इस आदमी का नाम लेता हूं, ये वो आदमी है जिसने मिट्टी को जिंदा रखा है, उसकी खुशबू को जिंदा रखा है। आज का इंटरव्यू बड़ा मुख्तलिफ होगा, नॉर्मल इंटरव्यूज की तरह से नहीं होगा। आज का वो इंटरव्यू होगा जो मैंने फैसल के साथ किया था, वो इंटरव्यू होगा जो कुछ और लोगों के साथ मैं करता हूँ। बहुत दिल से दिल की बातें होंगी। आज नाकामियों के बारे में बात होगी, थोड़े से गुस्से के बारे में बात होगी, थोड़ी सी प्यार मोहब्बत की बात होगी, थोड़ा सा उसकी ज़िंदगी के बारे में हम जानेंगे। आपने इसको स्क्रीन पर देखा है, टेलीविज़न पर देखा है, कॉन्सर्ट्स में देखा है, पाकिस्तान के बड़े बड़े नामों के साथ देखा है, दुनिया भर में इसे परफॉर्म करते हुए देखा है, लेकिन ऐसे कभी नहीं देखा होगा। ही इज़ वन पर्सन जो इतना हम्बल है, इतना हम्बल है, इतना हम्बल है कि आप भी इसे फ़ोन कर सकते हैं, आप भी इससे जाके मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, या आपके साथ फर्श पे बैठ के खाना भी खा सकते हैं। रीज़न इज बिकॉज ये अंदर से बहुत बड़े हैं, ये अंदर से इतना बड़ा आर्टिस्ट है। एंड ऑनेस्टली मेरे बहुत दिल की बात है, बहुत खुशी होती है मैं जब भी इनको देखता हूँ। इनके साथ शोज़ करना एक एजाज़ की बात होती है। मैं पहले आपको मोंटाज दिखाऊंगा, उनको रोके रखिएगा, उनको अभी नहीं एंटर कीजिएगा। उसके बाद एक म्यूज़िक बजेगा, उसके बाद आप लोगों की बहुत सारी तालियां होंगी, फिर वो आदमी आएगा। इतना दूर लाहौर से सिर्फ एक कॉल पे हमारी वो यहाँ पर चल के आए हैं, और मैं ये चाहूँगा कि जब वो आज ऑडियंस शायद कम है हमारे पास, इतने बड़े हज़ारों की तादाद में नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बतें ऐसी होनी चाहिए कि, और आप जो स्क्रीन पे बैठ के मुझे देख रहे हैं, इनको पता चलना चाहिए कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं। सबसे पहले उस आर्टिस्ट की, और आपको जैसे ही मैं वो दिखाऊँगा आप लोग खुशी से पागल हो जाएंगे। मैं आपको एक मोंटाज दिखा रहा हूँ, जैसे ही वो आर्टिस्ट स्क्रीन पर आएगा आपकी मर्जी है, अगर आप शोर करना चाहते हैं तो ज़ोर से शोर कीजिएगा, और नहीं शोर करना चाहते तो मत कीजिएगा, मुझे मालूम है कि आप लोग क्या करेंगे। 1 2 3 देखिए। Oh!
बहुत अच्छे। और एक मैं थोड़ी अच्छा, इससे पहले कि मैं बैठूं, मैं लाहौर में करीबन 2 साल रहा और लाहौर वाले बहुत प्यार करने वाले होते हैं, वो अपने जज्बात का इजहार बहुत खुल के करते हैं। थोड़ा मैं बायस हूँ व्हेन इट कम्स टू लाहौर, तो मैं 1-2-3 कहूँगा, उसके बाद आपने अपनी मोहब्बत का सबूत देना है। 1-2-3 गो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो आज मैं जूते आप जैसे पहन के आ रहा था, बट आई स्वर मैंने बदल दिए। सच में बता रहा हूँ, बिल्कुल मेरे पास ऐसे शूज हैं। कैसे हैं आप? कैसे? गुड मॉर्निंग। करम अल्लाह का। ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। शुक्र। आपने मोहब्बत देखी लोगों की? ऐसी माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे। मैं तो दुआ करता हूँ ये मेरा प्यारा पाकिस्तान है, अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता और खेलता रखे। अच्छा अरे भाई, दिल की बात। अरे भाई के लिए चाय तो प्लीज लेके आइए, चाय कॉफी कुछ तो लेके आइए। अरे भाई सामने चाय है, वो मेरी है, लेकिन आप डेफिनेटली पी सकते हैं। जी, अच्छा ये बताइए कि आजकल क्या हो रहा है? सब खैरियत, घर में सब ठीक ठाक? ठीक ठाक है शुक्र अल्लाह का। दिल की बातें होंगी? दिल की बातें दिल ही जाने। दिल की बातें दिल ही। देखिए आपको वापस घर भी जाना है, वो वाली बातें। आ जाए प्लीज आ जाए। अख्तर भाई, अख्तर भाई के लिए बहुत सारी तालियां। अख्तर भाई हमारे बहुत से दोस्त। अच्छा लाहौर कैसा है? लाहौर बहुत बढ़िया, अच्छा है। लाहौर का बहुत बड़ा दिल है और मेरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा दिल है, जिसमें सारे चारों सूबे रहते हैं और मोहब्बत से, प्यार से, चाहत से, बड़ी हिम्मत से, बड़ी जुर्रत से और बड़े अंदाज से रहते हैं। कोई शक नहीं। अच्छा अब आपके साहबजादे भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये मैं आपको बहुत बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो वीडियो देखी है, वो कमाल वीडियो है। अच्छा इत्तफाक की बात है, मैंने ना तो उसे कोई लॉन्च किया है, ना ही मैंने उसके लिए कोई स्पेशली उसे कोई तरबियत दी है कि तूने गाना है और तूने ये काम करना है। ये हम लोग गए थे अमेरिका में, एक वर्कशॉप्स थी वहाँ पे, कुछ यूनिवर्सिटी में गाना था, स्कूल्स में गाना था, तो मेरे काफ़ी प्रोग्राम्स थे, तो मैं अपनी फैमिली को साथ ले गया। अच्छा, तो वहाँ पे वो 3.5 साल का था उस वक्त, तो उसने एक दिन कहा पापा मैंने भी गाना है। तो मैंने कहा यार तू क्या गाएगा? वहाँ पे थी जो हमारे वो कोऑर्डिनेशन करती थी लिंडा। अच्छा, वो गोरी थी, तो क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा था पाकिस्तान को, अपने मुल्क के जो कल्चर को, तो कहने लगी कि ये बड़ा क्यूट है, इसे लेके चलो एक दफ़ा करवाते हैं, ट्राई तो करें। जब उसने किया तो बाद में ये हुआ कि ये भी वक्त आया कि उसके जो एज के बच्चे थे 4 साल के 5 साल के 3.5 साल के, उन्होंने अली 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 करके दोबारा बुलाया। क्या बात है। अच्छा आज हम ज़रा सा पीछे जाएंगे और बिल्कुल वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से नॉर्मली जब हम आलम लोहार साहब का नाम लेते हैं तो गीत खुद बखुद बजने लगते हैं और ख़ुद बखुद मौसीकी आ जाती है, ख़ुद बखुद चिमटा याद आ जाता है, ख़ुद बखुद लगता है कि बस अब गाना जो है वो यहीं से कहीं शुरू हुआ है और यहीं कहीं ख़त्म होकर रह गया है। सही। तो आपकी यादें फादर के साथ कैसी? बहुत प्यारी यादें थी मेरी और हैं, वो यादें कभी नहीं मिटेंगी। बात है आप भी इस चीज़ में बड़े सेंसिटिव हैं, माँ बाप एक अल्लाह ताला का बड़ा नायाब तोहफ़ा है और जिसे अल्लाह ताला ने ये अता किया है, और मैं समझता हूँ जब जो लोग इनको दोस्त बना लेते हैं उनको इल्म हासिल करने की ज़रूरत तो है, लेकिन वो सफाई पहले से ही हो जाती है इल्म को हासिल करने के लिए, और दूसरा जो इनके आशिक हो जाते हैं दुनिया उनकी आशिक हो जाती है। इसमें कोई शक, ये सही बात है। और माँ बाप जैसा तोहफ़ा मैं समझता हूँ, और यादें जो उनकी यादें मेरे साथ हैं
वो तो ऐसे हैं जैसे मेरी ज़ात के अंदर हैं, और मैंने कभी भी अपने आप को आरिफ लोहार कंसीव नहीं किया, ना ही महसूस करता हूँ। मैं कहते कि साहिर भाई, बड़ी छोटी सी ज़िंदगी मिलती है जो इंसान अपने नाम से ज़िंदा रहना चाहता है, तो अपना नाम जो होता है वो आपके अबाव अजदाद का होता है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ जो बड़े होते हैं उनका ही नाम होता है, जो माँ बाप होते हैं उन्हीं के नाम को लेके बंदा आगे चलता है, तो उनकी बरकत होती है। जो वो बंदा समझता है पता नहीं मेरी अपनी बड़ी बहुत बड़ी कावश है। दुआएं जो होती हैं मेहनत के साथ, अगर आप मेहनत करते हैं तो दुआएं जो होती हैं वो असर लाती हैं। यानी कि दुआ किसी की राय गा जाती है, दुआ बड़ा बड़ा असर करती हैं। तो मेरे अब्बा मुझे कहा करते थे, मैं दुनिया में रहूँ ना रहूँ ये हमेशा कहता हूँ, तो वो कहते थे मेरी दुआएं तुम्हारा पीछा करेंगी। और ये चीज़ें जो हैं ये कम थी। और मैंने गांव में गाया, मैंने इलाकों में गाया, मैंने अपने पाकिस्तान का कोई इलाका नहीं छोड़ा जहां मैंने नहीं गाया। और मैं एक अदना सा आर्टिस्ट हूं, और ये बड़ी कमाल की बात है कि अगर मैं पंजाब के किसी इलाके में गाता हूँ तो सब मुझे जानते हैं, सिंध में आता हूँ तो सब जानते हैं, बलूचिस्तान में जाता हूँ तो सब जानते हैं। सो ये पहचान जो है पूरी दुनिया में जानते हैं, तो कर्म, सब जानते ये कर्म बात, ये शुरुआत जब मेरी हुई तो ये बड़ी कमाल चीज़ जो मुझे अल्लाह ताला ने अनायत की। और ये कम कम मैं समझता हूँ कि हिस्से में आती, नीयत साफ हो तो फिर साहिर लोधी भी बन जाता है, फिर मंजिल। अच्छा क्या कह रहे हैं कॉलर? अच्छा हम पहले कॉल लेते हैं। एक मैं बात जरूर करना चाहता हूँ, कुछ वाकयात हैं जो आपको सुनाने पड़ेंगे। एक तो वाकया मेरा फेवरेट है, मैं ये कहता हूँ कि असल में हमारे साथ एक छोटा सा इशू है, हमारे मुल्क में एक छोटा सा इशू है, हम अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करते, कम करते हैं। हमें बाहर के दूर के ढोल बड़े सुहाने लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको। हमारा आर्टिस्ट उसका जितना सफ़र बाहर का होता है उससे कहीं ज़्यादा सफ़र उसके अंदर का होता है, और जो अंदर का सफ़र है वो ख़तरनाक हद तक सेटिस्फाइंग होता है। तो ये हमारा ये जो आर्टिस्ट है इसके अंदर का सफ़र जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो आपका एक वाकया जो पीसी वाला है वो बड़ा कमाल है, मैं कहता हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा वाकया कभी नहीं सुना है। मैं आपको सुनवाऊँगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद मैं एक पहले कॉल लेना चाहता हूँ आपके लिए, फिर उसके बाद बहुत मज़े मज़े की बातें होंगी। इनसे मोहब्बत ऐसा नहीं है कि आरिफ भाई दिल खोल के प्यार करने वाले आदमी हैं, तो आज सारी बातें होंगी, भाभी माफ कर दीजिएगा थोड़ी सी कुछ अगर इधर उधर भी। नहीं नहीं, ऐसा घर में मेरी सिचुएशन ऐसी नहीं है। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? गुड मॉर्निंग, आपका नाम? नाजिश बात कर रही हूँ कराची से। नाजिश, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। बहुत जबरदस्त आपने अपने मेहमान बुलाए हुए हैं और इनसे बहुत सारी चीजें सुननी हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप जो पिछले दौर के लोग हैं, जो मतलब जो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, छुप गए हैं, आप उनको सामने ला रहे हैं, उनकी यादें सामने ला रहे हैं। बहुत जबरदस्त अच्छा लगा देखकर, और बहुत अच्छी पुराने गाने जरूर सुनिएगा इनसे। और आलम लोहार साहब की बात। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, कैसे हैं आरिफ साहब? जी मैं ठीक हूँ, फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा, और दुआ है कि इंशाल्लाह आपका बेटा भी बड़ा होकर इससे ज्यादा नाम कमाए, इससे ज्यादा उसकी शोहरत हो। और मैं कुछ कहना चाहूंगी कि साहिर भाई जो मुझे मोबाइल गिफ्ट करेंगे वो आप गा कर मुझे गिफ्ट कर। हेलो, अरे आप आरिफ भाई के लिए कॉल कर रही हैं, मोबाइल के लिए कॉल नहीं कर रही हैं? आरिफ भाई के लिए नहीं, ये बिल्कुल नहीं, आज कोई मोबाइल नहीं मिलेगा, आज सिर्फ आरिफ भाई की कॉल्स हैं। और अच्छा, लोगों ने बड़े मज़े मज़े की रिक्वेस्ट की है, ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि आलम साहब वैसे जा चुके हैं लेकिन उनके नगमे उनके गीत आज भी लोगों को याद हैं। बात वही होती है कि गैप नहीं आया, गैप ऐसे नहीं आया कि मैंने वो था नहीं लगने दिया। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको सुनवाऊँगा वो गाना
वो गीत जो मुझे बहुत पसंद है और उस गीत से एसोसिएटेड एक वाक्या, वो गाना लिखा कैसे गया, हैदराबाद में उस गाने को कंसीव किया गया था एक हॉस्पिटल में और आलम लोहार साहब ने वो गीत लिखा था, उसके बाद उस जैसे कई गीत बन गए जो यहाँ भी बने, हिंदुस्तान में भी बने, तमाम लोगों ने गाया, लेकिन जो आलम लोहार साहब ने गाया उसके बाद अगर किसी ने गाया है तो वो आरिफ भाई ने गाया। ये वो गीत है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आज आरिफ भाई से वो बातें होंगी जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी। कुछ बड़े मज़े मज़े के सवाल आते हैं, कुछ चटपटी सी बातें हैं, कुछ इनकी मोहब्बतों के किस्से हैं, कुछ आलम साहब की बातें और कुछ बहुत दिल की बातें हैं आरिफ भाई से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, छोटा सा ब्रेक आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। कुल भी रहता है इधर। ऑलराइट जी, वी आर टॉकिंग टू आरिफ लोहार साहब और हम बात कर रहे थे वो गाना जो मुझे बहुत पसंद है। आप पहले उसका वाकया थोड़ा सा बताएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको वॉक्स पॉप दिखाऊंगा। लोगों ने फरमाइश भी की उस गाने की। वो ऐसे कि मेरे वाले साहब बयान किया करते थे उसे बड़े अपने अंदाज में। थोड़ा सा ना वो मजाक में भी ले जाते थे, अपनी ज़ात को भी, उसकी भी नफ़ी करते थे बाद में कि दुनिया जो है वो एक जैसे कि लेबल को और एक ग्राफ को देखती है, इंसान को नहीं देखती। बिल्कुल सही, वो कभी भी नहीं देखती। वो हमने भी देखा है कि वो कभी हुआ ही नहीं कि किसी की ज़ात को देखा जाए, ग्राफ को देखते हैं, इसने पहना क्या है, इसके नाम के साथ क्या लगता है। अब किसी मुल्क में, पड़ोसी मुल्क में चले जाए, छिंदा नाल लगा होता है तो लेकिन बड़ा छिंदा होता है, यानी सबका लाडला होता है। छिंदे का मतलब होता है लाडला। सो मेरा मतलब कि वहाँ पे बड़े ऑनर उस चीज़ को, वो या कोई कैलिबर कॉन्शियस जो होना ना, ये सिर्फ उस कौम में आता है जो कहते हैं साढ़े को गड्डी भी है, यानी नीचे पाँव हिलना शुरू हो जाता है। सो ये चीज़ें कम कम लोगों में होती हैं, लेकिन हैं फितरत में, नेचर में, यहाँ भी हैं, पड़ोस मुल्क में भी है, पूरी दुनिया में है, ये चीज चलती है ना, होती है। तो मेरे वाले साहब एक वाकया ये पेश किया करते थे, मैं आलम लोहार जी पहली दफा मैं क्या भी मैं लाल जत्ती शहबाज कलंदर के दरबार से हाजिरी देने वास्ते जा रहा, तो क्यों ना मैं सारे साथियों नाल लेके चलना। मैं टोयोटा वैगन करा ली 12 सीटर। ड्राइवर ने कहा बाऊ जी, जो ने मैं बाऊ जी किया तो मैं थोड़ा जाना आकड़ के बह गया। मैं क्या भी मैंने सारी जिंदगी जिन्हें आवाज़ मारी, उन्हें कहा लोहारा गल सुन जा, पहली दफा किसी ने मैंने बाऊ किया। मैं जनाब थोड़ा सीना ताण के बैठ गया, कहते बाऊ जी जाना बड़े आराम ना चाहिए, बंदा भावें घंटा चिरका ही पहुँचे। मैं क्या लै भी ड्राइवर बड़ा सियाणा है, मैनू बड़े आराम ना खड़ेगा। जब मैं सूई वाल ध्यान मारिया तो 80 तुप्पे टप्पे। मैं क्या आलमा ये तेनों हस्पताल पहुँचाऊ, इन्नी गल दिल विच आई, सामने की बस आई, टक्कर हुई, ठीक 5 मिनट बाद मैं अस्पताल पहुंच गया। तो जनाब चौथे दिन बाद होश आया तो की वेख्या 2 नर्सा पियां जान। मैं उन्होंने आवाज मारन लगा तो दिल च ख्याल आया कि उन्हें मैनू बाऊ किया सी ड्राइवर ने, तो क्यों ना मैं इंग्लिश च बड़ा रोप पैंदा तो मैं मैं जनाब इंग्लिश च आवाज मारी, मैं क्या हेलो सिस्टर कम हियर। उन्हें जनाब मेरी गल ना सुनी, मैं समझिया मेरी जुबान नहीं समझी, मैं अपनी पंजाबी जुबान च आवाज मारी, ए बीबी ए भैणा मेरी गल सुन जा। उन्हें फिर भी ना सुनी, उत्थे मैं 2 बोल पेश किए, मैं पेश करदा। ये गाना जो मेरा फेवरेट है। वाजा मारिया
बुलाया की वार में वजह मरिया बुलाया की वार में किसान मेरी गल ना सुनी हो वजह मरिया सारे कहते सरकार दिल तोड़िए ना किसे भी दीवार हाड़े पारे ते सचिया हजार में हाड़े पारे ते सचिया हजार में किसान मेरी वो गल ना कैसे फादर कैसे थे आलम साहब बहुत हम्बल बहुत मोहब्बत वाले बड़े प्यारे दोस्त लेकिन असूल वाले असूल बहुत असूल था हमें बैठने उठने का सुबह जल्दी उठना नमाज पढ़नी और नमाज पढ़ के उसके बाद फिर जो उनका स्टाइल था बैठने का पहले वो शेव किया करते थे बड़े और एक आईना लगाया होता था उन्होंने जैसे वो पुराने स्टाइल में गोल सा लगा होता था और उसमें ना स्पेशली वो हम सारे भाई वहाँ पे ब्रश किया करते थे और वो किसको कैसे पकड़ते थे हमें इस आइडिया का नहीं पता था बिल्कुल भी उन्होंने वो शीशा फिट किया हुआ था उसमें वो सारे बच्चों को देखते थे लाइन में कि सारे बच्चे जो हैं वो शरारत कौन कर रहा है तो जैसे भी वो पुत्री तू सेट हो जा यानी उसको कहना कुछ नहीं पुत्री तू सेट हो जा बस इन्ना जो तो कहना तो बंदे दी हो जान निकल जाती सी कि आज पता नहीं मेरे साथ क्या होगा फिर लास्ट में सब उसकी बारी आती थी यानी ऐसे पनिशमेंट देते थे मारते नहीं थे बहुत गुस्से से नहीं बोलते थे अपने बच्चों के साथ और बड़ा और बाहर भी लोगों पर दिलों के ऊपर अगर आज भी राज करते हैं वो आज भी मोहब्बत उनकी है तो वो यही है कि अगर कोई कोचवान भी मिल गया तो उसे भी जफ्फी डाल ली कलावे में ले लिया और उसी मोहब्बत से मिलते थे गाड़ी उस दौर में साहिर भाई एक ख्वाब हुआ करती थी कि किसी के पास कार हो बड़ा नवाब आदमी होता था बड़ा चौधरी आदमी होता था तो उसके पास गाड़ी हुआ करती थी एक गाड़ी जब एक गाँव में जाती थी तो कई सौ बच्चा जो उसके पीछे भागता था कि ये क्या चीज़ है ये कोई उड़न खडोला है पता नहीं क्या है यू नो कि वो दौर ऐसा था और गाड़ी की बड़ी वैल्यू थी और बंदे को देखना कि इसके इसमें से बंदा कौन बाहर आ रहा है तो लेकिन उसके अंदर एक फ़कीर बैठा हो जो आजिज हो मस्कीन हो जो ये कहता हो मस्कीन लो आ रहा छुछिया कहता जी और दुनिया आशिक हो उसकी और मैंने ऐसे भी देखा कि कहीं गाड़ी फंस गई है तो लोगों ने गाड़ी उठा ली है उठा के आलम साहब तुम बाहर ना आना असी तुम आपे बाहर कढ़ लेने यानी इतनी चाहत लोगों में आज के दौर के साथ टैली करता हूँ आज का दौर बहुत एडवांस दौर है बहुत SMS पे सारा कुछ वो कहते हैं यस नो हो जाता है कि क्या हाल है ठीक है लव करती हो नो यस यस यानी आज तो बड़ा वो है नहीं साढ़े लोग तो असी तो अपने दौर से एवं किसी ने रुमाल ही अंज करके सुट दिता तो वो गुजारा कर लिया पूरी उन्हें देखते रहे उदों तक नहीं वेख उदों तक वेखते रहने जो तक वह बच्चा आके सू मामू नहीं कह दिता यानी हया इतनी थी इतना वो था कि बंदा शर्मिंदा होता था बात करते हुए भी कि यार मैं क्या बात करूँगा इसके साथ या क्या होगा मेरे अब्बू के साथ ऐसे ही था कि उनकी ज़ात में ये थी कि वो इनकसारी बड़ी थी लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा था और आज भी लोग जो मिलते हैं मुझे जितने भी लोग जहाँ जहाँ भी मिलता हूँ मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे फादर की वो जो नक्श है जो छोड़ा हुआ है उन्होंने वो आपके साथ साथ वो साथ साथ चल रहा है मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो एक और वाक्य है जो मुझे बहुत पसंद है
और ये वाकया उन तमाम लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि शायद पैंट या शर्ट पहनने से इंसान बदल जाता है, ये लेबल लगाने से इंसान चेंज हो जाता है। आज हमारा मुल्क अगर स्ट्रगल कर रहा है तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपना भूल चुके हैं। जो हमारा है उससे ज़्यादा हसीन कुछ नहीं है। और अगर आप लेबल्स देख के फैसला करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद दो सरप्राइजेस। पहला सरप्राइज इस वाक्य का, ये वाक्य ज़रूर आपको सुनवाऊंगा मैं, और दूसरा सरप्राइज है अली का। अली जो इनके साहबजादे हैं उनकी परफॉर्मेंस आपको दिखानी। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। माशाल्लाह से उन्होंने अपने अब्बू का नाम रोशन कर रहे हैं, और जो उनका स्टाइल है वो थोड़ा सा यानी जदीद में भी है और थोड़ा सा सूफियाना भी है, तो उनका स्टाइल जो है बहुत माशाल्लाह अल्लाह में उन्हें और तरक्की दे। मैं कहती हूँ कि जो उन्होंने आजकल की नई नस्ल को दिया है वो बहुत बहुत बेहतरीन है। अल्लाह ताला उनको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और उनकी हर मुश्किल हर परेशानी दूर करें, वो हमेशा खुश रहें। अल्लाह में उनको और तरक्की दे। अच्छा, हमारे पास कुछ और बॉक्स पॉप्स हैं आपके लिए। हमने पूछा कि आप आरिफ भाई से क्या कहना चाहेंगे, तो जो कुछ उन्होंने कहा वो हम आपको दिखाते हैं। हमारे पास है, क्यों है, दिखा सकते हैं हम? हाँ, जरा दिखाइएगा, वो शुरू से दिखाइएगा, वो जिसमें कहा गया कि अगर कैटरीना को प्रपोज करेंगे तो कैसे करेंगे, जरा दिखाइएगा। आरिफ लाहौर के वालिद साहब, आरिफ लाहौर साहब का जो बहुत मशहूर गाना है, वाजा मारियां तेनू कई बार बुलाया वे, प्लीज़ ये ज़रूर आप दोनों मिलकर गाइए। आरिफ लाहौर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके लंबे बालों का राज क्या है, क्या ये स्टाइल है या कोई और बात है? आपका कोई भी गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो वो मुझे सुना दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आरिफ अंकल, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप कोई अच्छा सा सॉन्ग मेरे लिए गा सकते हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आरिफ लाहौर साहब, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बेसिकली मेरा ताल्लुक पंजाब से है और आपके गाने वहाँ पर बहुत मशहूर हैं। आपका गाना जुगनी जुगनी मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फरमाइश पे मुझे सुना दें। मैं आरिफ लाहौर को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर वो कैटरीना कैफ को प्रपोज करेंगे तो किस तरह करेंगे? मुझे बहुत पसंद है और उनके बहुत सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे एक गाना उनका जुगनी बहुत पसंद है, मेरी फरमाइश पे आप वो गाना मुझे सुना दें। आरिफ लाहौर साहब, आप जो सूफियाना कलाम अलिफ अल्लाह चम्बेदी बूटी पढ़ते हैं, इस खाकसार की फरमाइश है, एक दफ़ा और अच्छे अंदाज से पढ़ के हमें सुनाइएगा। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये एक सवाल किया गया, लंबे बालों का राज क्या है, ये स्टाइल है, शैम्पू है या कोई और बात है? नहीं, बात है कि हमारे ये जो मेरे फन में जो आता है, ये स्टोरीज बयान करता हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल बयान करता। और जो लोक फनकार होता है पूरी दुनिया में, आप माशाल्लाह आप जानते हैं, आपको तो सारा अवेयरनेस है, आप देखते भी हैं, जो लोक फनकार होता है वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। मेरे फन में, विरसे में, मुझे हीर रांझा, शशि पुन्नू, सोनी मेवाल, ऐसे करेक्टर जो हैं ना, वो मेरी ज़ात के अंदर आते हैं। तो अगर उसमें अगर आप देखें तो एक ढोलना निकलता है रांझे के करेक्टर से, एक लाचा कुर्ता निकलता है मिर्ज़ा साहिबा के उस कल्चर से, अगर आप देखें तो एक ये जो मैंने ये पहनी हुई है, ये बल्ख बुखारे का शहजादा आया था, उसमें से निकलती ये कल्चर की ये लहर। तो इन सारे जितने भी ये बाल हैं जो मैं बनाता हूँ, मई बाल का एक बड़ा ख़ास अंदाज था, तो मेरे वाले साहब भी इसी गेटअप में थे, ऐसे ही रहा करते थे। और अगर सारी स्टोरीज़ का जमा करें, ये सारी स्टोरी को जमा करें, एक आलम लोहार एक आरिफ लोहार बनता है। एक काम करते हैं अब, यही पर अगर हम टू विंडो में ले लें, मुझे ना भी लें कोई मसला नहीं है, आरिफ भाई को लें, और एक तरफ अगर हम आलम साहब की तस्वीर लगा दें अगर हैं, और हम जुगनी करें, बिकॉज इससे बड़ी ट्रिब्यूट कोई नहीं हो सकती कि वो वहाँ पर प्रेजेंट हों और आप जो हैं वो जुगनी कर रहे हैं और वो उनकी जुगनी हो, कर सकते हैं ऐसा? कर सकते, हो गया, चलिए लगाइए। टू विंडोज ले लीजिए, अच्छा
जबरदस्त जबरदस्त. देयर यू गो, दैट्स इट, दैट्स इट. वाह वाह. हाँ जी, शुरू कीजिए. देयर यू गो. अच्छा अच्छा, शुरू वैसे कर दीजिए, फिर इसके बाद दूसरा कर लेंगे. अच्छे अच्छे अमर नाम लादा लइए, अमर नाम लादा, ओ पहला नाम लादा लइए, फेर दरूद नबी नू, फेर दरूद नबी नू कहिए, हर तमाज जी विच रहिए, ओ फिर मेरे आजुनी कहंदिया नाम अली दा, ओ नाम अली दा, ओ नाम सखी दा लेंदिया. लाइव हमारे पास बैंड है, अगर आप करना चाहें तो थोड़ा सा. मैं असल में बैंड मेरा जो है ये माशाल्लाह मेरे पाकिस्तान के नामवर जो म्यूजिशियंस हैं, एक होता है मिथिया, हमारा जो स्टाइल होता है वो उसके साज ही डिफरेंट है. उसके उसके जैसे तुम्बा है, जैसे अलगोजे हैं, ठीक है, तो उसके बगैर वो मैं समझता हूँ कि कोई मसला नहीं. हाँ जी, they are going to try to do their track, वो ट्रैक कर रहे हैं, and let's see कि क्या होते हैं. हाँ, आपको मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ. अभी मैंने आपको आपके फादर दिखाए, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आपका बेटा. अच्छा, सीरियसली आप तो रोज देखते हैं. अली लोहार का डेब्यू है जी आज हमारे प्रोग्राम के अंदर, और अली कमाल गाता है, आप देखिए, और बहुत ज्यादा क्यूट है, इनसे भी ज्यादा क्यूट है, मैं सच बता रहा हूँ, इनसे भी ज्यादा क्यूट है. वॉच दिस जी, देखिए. अब मुकाबला होता है बाप बेटे का आपस में? नहीं, कंपटीशन ये नहीं, बस ये माशाल्लाह बहुत ज्यादा ना इसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा. और अच्छा, जब ये गाया था तो 3.5 साल के थे वो? 3.5 साल का था, अभी 7 साल का माशाल्लाह से. माशाल्लाह. और अभी मैं पिछले दिनों मैंने यूरोप जाना था, तो आपको पता है वहाँ से वीजा जो है वो उसका एक प्रोसेस होता है. तो वहाँ से नाम आते हैं, ये वो कहते हैं पापा जी मेरा भी पासपोर्ट साथ रख लें, मैं जाके बात करूंगा तो वीजा मिल जाएगा, तो ठीक है. और आप यकीन जानिए, जब वीज़ा लेने गए तो मैंने जाना था इटली, तो जब मैं वहाँ गया अम्बेसी में, तो मुझे पता था ये बच्चा है, इसकी ज़िद मैं पूरी कर दूँ, चलो चला जाएगा, इसे इनकारी तो हो जाएगी. तो कहता हो जाए कोई बात नहीं, अपना एक बैग उसने तैयार किया और चला गया मेरे साथ, जाके विंडो पे कहता है. अब उसका इंटरव्यू आया, ऐसे मैंने उसे बोला, मैंने कहा इंटरप्रेटर को, मैंने कहा यार इसकी जिद है, ज़रा आप सुन लो, मुझे पता है पासपोर्ट तो आपने वापस कर देना है, तो बात सुन लो बस. अब मैं पीछे खड़ा हूँ, अब वो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी सर, मैं भी सिंगर हूँ और मैं इनका बेटा हूँ आरिफ लोहार का, तो मेरे मैं ऑलरेडी USA जा चुका हूँ, पूरी दुनिया में जा चुका हूँ, इनके साथ ही मैं जाता हूँ, और मुझे लोग जानते हैं, आप यूट्यूब पर देखें,
तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ रुकिए 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 रुकिए, एक सस्पेंस में क्रिएट करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक सस्पेंस क्रिएट है। क्या अली को इस बात के बाद वीजा मिला या नहीं मिला, ये मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। अभी नहीं, अभी नहीं, स्टार है अली हमारा, स्टार है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप वाले साहब से बेतहाशा प्यार करते हैं, वो लम्हा जब आपको एहसास हुआ कि अब वो नहीं है, वो लम्हा क्या था साहिर लोहार के लिए, वो लम्हा क्या था साहिर भाई? इसे मैं लफ्जों में तो बयान नहीं कर सकता। वैसे कि जैसे दूध पिलाती माँ छोड़ के चली जाए तो बच्चे का क्या एहसास होगा उस वक्त, उस वक्त क्या एहसास होगा कि इंसान को प्यास लगी हो और वो सहरा में हो, प्यास भी लगी हो और पानी ना मिले, वो ऐसे सांस खींच जाती थी सोच के कि मेरा वो वालिद जिसके साथ मेरा इतना प्यार, यार भी दोस्त भी, और इकट्ठे रहा करते थे, मैं अब्बू को दबाया करता था। और आज के कल्चर में शायद इस चीज़ को माशाल्लाह से पसंद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। कई लोग कहेंगे कि पता नहीं हूँ तो आप भी प्यू वर्गा हो गया, लेकिन उसके बावजूद अपने बाप की बातें, क्योंकि वो बातें ऐसी थी कि आप अपने बच्चों को सदका जारिया के लिए छोड़ जाते हैं, अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे पहनावे के साथ, अच्छे कल्चर के साथ। तो मैं जो मैंने बोया वही काटा मैंने, समझे? लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं बो क्या रहा हूँ। मैं, मुझे तो प्यार था, मैं तो वो कर रहा था, मैं दबाता था और वहीं पर सो जाता था। और जब वो उठते थे और मुझे रो के कहते थे कि आरिफ इदा सिला मैं तेन नहीं दे सकता, तो चुम्मन लग पैंदे सन। मैं वही बात आ जाती, आज जब भी मैं अपने बच्चों को चूमता हूँ वो एक एक पल में मुझे मेरे वालिद साहब याद आते हैं। वो मुझे अक्सर यहाँ से चूमा करते थे और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि इंसान कहाँ चला जाता है, क्या है दुनिया में दिल नहीं लगता जो अगर माँ बाप का रिश्ता साथ मौजूद ना हो। फिर इंसान दिन गिनने शुरू हो जाता है कि वो प्यार, देखें प्यार जो है ये एक खुद मैसेज है लव का पूरी दुनिया में, और ये परिंदों में है एहसासात, मोहब्बत, प्यार। लेकिन जो ये शफीक रिश्ते हैं, इन जैसे रिश्ते मैं नहीं समझता हूँ साहिर भाई कि इसका मतबादल कोई हो, इसका मतबादल नहीं है। आज जब मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, जब वो मेरे अब्बा की तस्वीर को हाथ लगा के चूम के जाते हैं, सबसे पहले वो सलाम करते हैं, सबसे मुझे उठ के, फिर नमाज जब मैं पढ़ता हूँ फिर मेरे साथ नमाज पढ़ते हैं, फिर वो अल्लाह के हुजूर झुकते हैं, दुआ करते हैं दादा के लिए, दादी के लिए, और फिर वो अब्बू की तस्वीर को चूमते हैं, फिर वो स्कूल जाते हैं। मैं अगर सोया पढ़ाऊँ, अब बात है कि मैंने तो दर्स नहीं दिया, मैंने तो बोला नहीं उनको मेरे पाँव को हाथ लगाओ, वो लगा के चूम के चले जाते हैं। अब आप टैली कर लें कि दौर क्या जा रहा है, और वो छोटे छोटे बच्चे, मेरे तो अभी 7 साल का बड़ा बच्चा है। वालदा के साथ कैसा रिश्ता? अल्हम्दुलिल्लाह, एक दोस्त की तरह। अम्मी में जेलसी भी होती है कि तू ज़्यादा प्यार अपने पियो नु करना है, लेकिन मेरी चूँकि 4 माएँ थी, 4 शादियाँ थी मेरे अब्बू की, और मैं बता नहीं सकता हूँ, बड़ी मज़े की बात है कि मैं ना सबके साथ सोया करता था कभी। और एक उम्र तक मुझे नहीं पता चला मेरी माँ कौन है। एक माँ मुझे मारती थी बहुत ज़्यादा, मैं कह इन्हें मैं वड्डा होकर पूछांगा इन्हें मैंने मारिया है, और ये मेरी मतरेई माँ है, इन्हें मेरे को खास मेरे से गुस्सा कर दी, फिर मुझे पता चला कि इसी ने मुझे पैदा किया। अच्छा, वो जो हम पहले करना चाहते थे वो आप करते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली मैं तो यहाँ पर किस्से आपसे सुनता रहूँगा और वो कम नहीं होंगे।
बिकॉज आपके तो वो वालिद हैं, हम सब के तो वो रूहानी बाप है, रूहानी उस्ताद है। आपको वो कमाल आदमी थे, जो जो कुछ वो कर गए, या तो फैल नियाज़ी साहब कर गए, या ऐसे बड़े बड़े लोग कर गए, कोई शक पठान खान साहब कर गए, अब वो बातें सिर्फ ख्वाब की हैं। खान साहब, मेहंदी हसन साहब, मेहंदी हसन खान साहब, उस्ताद मुस्तफा तेरी खान साहब, मैडम नूर जहान, और ऐसे से ये ख्वाब की बातें, ख्वाब की बातें, वो सारी बातें ख्वाब, वो लोग सदियों के लोग थे, वो लोग सदियों के लोग हैं। ये वो दौर था जब आवाज़ साज से ज़्यादा खूबसूरत थी, जब कंप्यूटर्स नहीं थे, मामूली सा हारमोनियम था, एक तबला था या ढोल था, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब आप गाँव में जाके मेलों में गाया करते थे तो मेलों में लाउड स्पीकर्स नहीं होते थे, साउंड सिस्टम नहीं होता था, और बगैर उसके गाना पड़ता था, और वो जो फेफड़े थे वो इतने बड़े थे, हाँ, और दिल उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। बिल्कुल, ये मेरे मुल्क के लोग हैं, ये मैं इससे प्यार करो, ये मेरी मट्टी है, और पूरी जिंदगी नशा नहीं किया, नशा ही एक था उनको, नशा ही एक था। अच्छा, जब नशे की बात आती है तो नशा सिर्फ एक होता है, जब आप मोहब्बत कर लें और किसी से ऐसा इश्क हो जाए कि उसके बगैर गुजारा ना हो, सांस आनी जानी मुश्किल हो जाए, तो आपको पता चलता है कि आप खुदा के कितने करीब हो गए, क्योंकि वो मुझे एक इश्क ने खुदा के करीब कर दिया, एक इंसान के इश्क ने खुदा के करीब कर दिया। वो खुदा कितना हसीन है जिसने वो इंसान बनाया है, जुगनी हो जाए और जुगनी पे वही तस्वीर लगेगी, हमारे पास तैयार हो गया, वो सब रेडी है, तस्वीर लगेगी, और सर आप माइक उठा लीजिए, आलम लोहार साहब, ये विंडो मैन आए जी, 1, 2, 3, 4 जी, आपकी तालियां होनी चाहिए, आपकी तालियां होनी चाहिए, पक्की पक्की।
अच्छा हम बात कर रहे थे अली की कि अली को वीज़ा मिला या नहीं मिला। किस्सा ये था कि अली इनके साथ खुद ही चले गए कि मैं जाके खुद ही बात कर लूँगा एम्बेसी के अंदर। अब आप बताइए क्या हुआ। बात है कि वो तो बाकायदा प्रोसेस होता है वीज़ा लेने का और वहाँ से नोटेशन आती है पूरी, वो वीज़े इतने वीज़े रिक्वायर्ड हैं, इतने देने हैं आपने। अब ये सारी बातें जब उसने की ना कि मैं भी स्टार हूँ, मैं भी ये हूँ वो कर रहा हूँ, अब मुझे पता है इसके बाद वो पासपोर्ट वापस कर देंगे। उन्होंने विंडो क्लोज़ की, अब हम लोग वेट कर रहे हैं। मैंने कहा यार वो रिक्वेस्ट की वो लड़के को, मैंने कहा वो पासपोर्ट तो बच्चे का दे दें ताकि वो सारी बातें इसने की बड़े अंदाज से की कि अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पर देख लें, मैं भी गाता हूँ। तो अब जब वो विंडो खुली तो मैंने कहा यार वो पासपोर्ट तो दे दो क्योंकि हमने वापस जाना है, तो बाकी रख लें आप। कहने के भाई वो बॉस ने कहा है कि इसे वीज़ा ज़रूर देना है। अब रास्ते में पता है कि ऐसे बैठा हुआ है तो कहता पापा मैं आपको कह रहा था आप मान नहीं रहे थे, मैं वो जानते थे मुझे पापा जी। कितनी कितनी अजीब सी बात हो, आप आरिफ लोहार को बता रहे हैं कि आप क्या समझ रहे हैं अपने आप को। मतलब मैं भी जाना जाता हूँ और मुझे भी लोग जानते हैं, आपको तो फिर भी प्रोसेस में जाना पड़ा, मुझे बगैर प्रोसेस के वीजा दिया। अच्छा मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ जी, और आपने जैसी हम तस्वीरें दिखाएंगे वैसे ही आपने जो आपके जहन में पहली चीज आती है वो बोलनी है, अच्छी या बुरी। अच्छी बोलूंगा, बुरी को मैं चुप रहेंगे। हाँ चुप रहूंगा। अच्छा चले चले ये भी खेल है, अच्छी पे बोलेंगे आप और बुरी पे चुप रहेंगे। खामोश रहूंगा। खामोश रहेंगे। ठीक है जी, रेडी तैयार है, कर सकते हैं। हियर वी गो, 1 2 3 गो। दिखाइए जी लैला। क्या बात, वाह अच्छा अच्छा है। दिखाइए दूसरा, माधुरी दीक्षित। वाओ अच्छा 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 वाओ, ये मेरे कहीं यहाँ लगी है। अच्छा ये कौन है बताएं मुझे, कौन है? मीरा। ओ मीरा, अच्छा मीरा जी। दिखाइए दिखाइए दूसरे, दिखाइए दिखाइए जी, शेख रशीद साहब। ऑनरेबल। क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, इला भी। अच्छा दिखाइए हसन जहांगीर। क्या बात, क्या बात है हसन भाई जी। दिखाइए शुएब अख्तर, अपने फन के एक ही। क्या बात है जी शुएब साहब। दो रीमा जी। ऑलवेज यस यस एंड ग्रेट ग्रेट माय पर्सनल फेवरेट। हाय ओह मैंने कहा हाय ये करे ओह हो। अच्छा जी जी दिखाइए, अगर कोई और कोई रही दिखाए जरा दिखाए। आबिद शेर अली। ऑनरेबल सर। ऑनरेबल अच्छा जी, चलिए और दिखाइए और दूसरा दिखाइए। कतरीना वाला कमाल था वैसे, सीरियसली बहुत अच्छा। दिखाइए ये कौन है, फरिया। ओह वाओ ओके सीरियसली वाओ वाओ वाओ, मैं पहचाना नहीं। साइमा जी। आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग जी, आउटस्टैंडिंग, नो नो क्वेश्चंस अबाउट इट। दिखाइए शाजिया मंजूर। वेरी नाइस, कमाल 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 शाजिया जी, कमाल जी। शाजिया खुश्क। देयर यू गो। रैम्बो, रैम्बो है ना हमारा जाती रैम्बो, हमारा जाती रैम्बो। जाती रैम्बो है यार, जाती रैम्बो है, रैम्बो कमाल भाई जी। दिखाइए क्या बात, सलूट है, क्या बात। और है हमारे पास कुछ, खान साहब। ग्रेट मैन, ग्रेट मैन, ऑलवेज ऑलवेज। हाँ पूरी जिंदगी में मैंने इन जैसा ग्रेट इंसान कम कम देखने में आया। श्रीदेवी। ओहो अच्छा, दो पे इनका ओखो निकला है, एक कतरीना पे एक श्रीदेवी पे।
वो साबका ओहो था, ये मौजूदा ओहो है। अच्छा जी रैपिड फायर है और फौरन फौरन जवाब देना है। शादी मोहब्बत की? शादी मोहब्बत की नहीं। क्या आप में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है? बिल्कुल भी नहीं। गुस्से में कितना जब्त करते हैं? बहुत कोशिश करता हूं से की जाऊं। किस सिंगर को समझते हैं कि बेसुरा है? अपनी सलाह करता हूं। कौन सिंगर बहुत पसंद है? खास अब नुसरत फतेह अली खान और उस्ताद तुफैल नियाजी। डाइट कॉन्शियस हैं? सॉरी, डाइट कॉन्शियस हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। हुसन परस्त हैं? बहुत ज्यादा। हुसन परस्ती का मतलब ये नहीं, नहीं मैं कुछ उसको नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। हुसन परस्त होना तो एक। अच्छा, मोहब्बत कितनी बार हुई? मोहब्बत काफी बार हुई। सबसे आखिरी मोहब्बत कब हुई? सबसे आखिरी मोहब्बत हाँ कब हुई? हाँ, मेरा छोटा सा क्यूट सा लड्डू है उसके साथ। वालदेन में किससे ज्यादा करीब? दोनों के। दोनों के, दोनों के। आपको अपने फैंस की तादाद पता? नहीं। कभी किसी लड़की ने शादी के बाद शादी की ख्वाहिश की आपसे? आपकी शादी के बाद? जी बिल्कुल ऐसा होता है। तो कभी कोई क्रेजी फैन मिली जिसने कहा कि नहीं मैं आरिफ मैं तुम्हीं से शादी करूंगी, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं पागल हो गई हूँ, मैं SMS कर रही हैं, मैसेजेस कर रही हैं, भाभी को उठा के फोन कर दिया हो? ऐसा भी हुआ है। हुआ है? और नहीं नहीं एक मिनट, हर बात पे वो कर ले तो तुम लोग पूछो तो सही, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, समझाया वो समझ गई मेहरबानी। और बेगम ने क्या समझाया? कुछ नहीं, वो इजी लेती, उनको पता है कि मामला थूंदे रहन दिन। अच्छा अच्छा, आपका दिल चाहता है कि आप किसी एक्ट्रेस को प्रपोज करें, अगर चाहता तो कौन सी होती? सच्ची बात करनी दिल की। मैं बिल्कुल सच्ची बात करूँगा। एक्चुअल होता क्या है कि मैं नेचुरल हुसन पे बिलीव करता हूँ, जो दिल का होता है, जो अंदर का होता है। मुझे बाहर की खूबसूरती इतनी अट्रैक्ट नहीं करती। अच्छा, दूसरी शादी का मौका मिले तो करना चाहेंगे? नहीं, मैं एक संभाल पाऊं तो यही बहुत है मेरे। अच्छा, वो वाकया क्या था, वो जो शाहरुख खान साहब के साथ हुआ था? I just want to know, because नदीम यहाँ पर जो इनके मैनेजर हैं। नदीम के साथ हुआ ये वाकया? मेरे साथ नहीं हुआ। नहीं, लेकिन हुआ है ना, वाकया हुआ है। जी, सैने अवार्ड के लिए मैं गया था। शाहरुख खान साहब की तस्वीर है तो लगा दीजिएगा प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मुझे रास्ते में ही फीवर हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा। जब मैं वहाँ पहुंचा तो क्योंकि काम की बहुत ज़्यादा ज्यादती थी, एक मुल्क एक कंट्री से आता था दूसरी कंट्री में चला जाता था, और मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था। और मैं जब वहाँ पहुँचा तो चेयर्स लगी हुई थी और चेयर्स पे मैं लेट गया और ऊपर मैंने एक चादर सी ले ओढ़ ली। तो मुझे बार बार आके ना नदीम कह रहे हैं, भाई जान पुना ऋतिक आ गया, तो प्लीज़ आप आ जाएँ वहाँ तस्वीर उतरवाते हैं। मैं कह नहीं यार, आप चले जाओ, मुझे फीवर है, तो मैं ना आप उतरवाओ सबके साथ तस्वीरें जितने भी स्टार्स हैं। भाईजान ये हो गया, वो हो गया, वो स्टार आ गया, वो स्टार आ गया, यार खुदा के लिए मुझे लेटने दो। ये मैंने किया। जब मैं लेटा तो मुझे कुछ आवाज़ें आईं कि आप भी यहाँ बैठ जाओ, और कुछ सिगरेट की भी वो आया कुछ। तो मैंने कहा यार कोई आए हैं, मेरे ख्याल से कोई आर्टिस्ट होंगे। तो मैं ना उठा, ऐसी इसी डायरेक्शन पे था, वो यहाँ ऐसे बैठे हुए थे। मैं उठ के जाने लगा तो आवाज़ आई, आरिफ भाई आप किधर जा रहे हैं? तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो वो शाहरुख था। आरिफ भाई आप मेरे लैपटॉप में, आप मेरी गाड़ी में, आप मेरे घर में, हम सुबह शाम मेरे बच्चे आपको सुनते। तो नदीम उन उसे ऐसे देख रहा है और वो माशाल्लाह। नदीम के देखने की दो वजह थी, वो कह रहा है लैपटॉप समझ में आता है, गाड़ी समझ में आती है, घर में कब जाते हैं हम? बात यह है कि वो मैं समझता हूँ कि उनको बंदे को इज्जत देना वो जो है ना वो कमाल आता है। वो कभी मेरे दाएं बैठते थे, कभी मेरे बाएं बैठते थे, कभी नीचे बैठ जाते थे, बल्कि वो ज़ात में वो था ही नहीं कि मैं कोई स्टार हूँ या कुछ। और बार बार मुझे ऐसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे हम रोज मिलते हैं, रोज मुलाकात होती है। दिस इज फॉर शाहरुख खान। माशाल्लाह, थैंक यू। एंड
टू एवरी वन इन इंडिया जो जाके पाकिस्तान से काम करते हैं, और तमाम हमारे हिंदुस्तानी दोस्त, आजकल दौर बहुत फास्ट है तो आप लोग भी शायद इसको देखेंगे, वेदर इज सलमान साहब और वेदर इज शाहरुख और वेदर इज आमिर खान और अक्षय कुमार, हूएवर दैट इज, आई थिंक यू पीपल आर ब्रिलियंट एंड थैंक यू फॉर गिविंग सो मच लव टू आर सिंगर्स, आर एक्टर्स, आर एंटरटेनर्स. और मेरे ख्याल में आप लोगों ने साबित कर दिया कि फनकार किसी सरहद का मोहताज नहीं. सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. जाइएगा कहीं नहीं, अभी एक और किस्सा है जो आपको बताना है और उसके बाद एक बहुत कमाल की बात है जो आपसे शेयर करनी है. छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. गुड नाइट. अच्छा जनाब, अच्छा टाइम बहरहाल कम होता है, टेलीफोन कॉल्स भी लेनी है, लेकिन एक सबसे पहले एक एक मैं वाक्य वो सुनना चाहूँ. अभी हम लोग जब ब्रेक में बात कर रहे थे तो चीज़ें निकल आती हैं, तो एक बड़ा ज़बरदस्त वाक्य था वो ज़रा पहले पहले हो जाए, वो जो आप सिंगर के बारे में बता रहे थे, क्या था वो? वो ऐसे कि बाहर जाते हैं ना, मेरे को एक को स्टार होती तो फौजिया है मेरे साथ. अच्छा. तो वो उसको कॉल आई, मेरे बच्चे शोर कर रहे थे. अच्छा. तो कोई साथ वाला जो था रूम, वो बड़ा परेशान था गोरा, तो नीचे से आवाज़ आई कि सिंगिंग, कहती यस आई एम सिंग द सॉन्ग, यानी वो कह रहे नो नो नो, कहती सिंगिंग यस यस आई एम सिंगर, सिंग द सॉन्ग फोक आरिफ लोहार, वो भी उसी लहजे में बात कर रही. अब उसे इंस्पायर करने की कोशिश कर रही कि मुझे समझ आ रही, कहती नो नो यू टू किड्स सिंगिंग योर नेबर, ओ ना समझ गई कि दो बच्चे जने शोर में जा रहे हैं, तो प्लीज इन्हें रोको किस तरीके से. अच्छा आपने अंग्रेजी में भी गाना गाया? नहीं, एक्चुअल मेरा इत्तफाक हुआ, मैं यूके में जब मैं गया गाने के लिए, तो एक प्रोसेस होता है ना साहिर भाई के, बंदा जिंदगी में नहीं गाने की जरूरत नहीं. अच्छा, वो वैसे मैं आपको नसरों में सुनाता हूँ. अच्छा. तो वो मैं, मेरा गाना बड़ा पॉपुलर था, छोटी उम्रे प्यार करी ना रुल जाएंगी, आज तो नाजुक कली कल तू कंडिया दे नाल तुल जाएंगी. अब मैं ये गा रहा था, बड़ा टिपिकल फोक आइटम था, तो एक बच्चे की सालगिरह थी, इंग्लैंड में गा रहा हूँ, वो कह रहा है पापा बुलाया तो है पर मुझे समझ नहीं आ रही है क्या गा रहे हैं, कोई इनको बोलो कि ये इंग्लिश में गाए. अब मेरे लिए आरिफ लोहार और इंग्लिश मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज, कहते जी बच्चे को समझ नहीं आ रही. अब मैं क्योंकि पैसे भी पूरे उन्होंने करने ने और गाना भी मैंने उसे भी खुश करना है जिसकी सालगिरह. अब बहुत माशाल्लाह ठीक ठाक मेरे जैसे ही मोटा वो बच्चा ठीक ठाक, मैंने कहा ना गाया तो ये मारेगा मुझे, तो मैंने गाना, मैंने कहा छोटी उम्रे प्यार करी ना रुल जाएंगी, आज तू नाजुक कली कल तू कंडिया दे नाल तुल जाएंगी. मैंने उसको ट्रांसलेट किया फटाफट, लिटिल एज यू डू नॉट लव, लिटिल एज यू डू नॉट लव देन यू विल फेयर नो यू प्रिटी फ्लावर नी टू मारो कंडिया दे नाल. मैंने मैनेज किया बड़ा, एक तो ये और एक अल्लाह गरी के रहमत करे मोइन अख्तर भाई, ऐसे लेजेंड हस्ती जिन्होंने मुझे सैन फ्रांसिस्को में इंट्रोड्यूस करवाया, ऐसा कि मुझे वो साबित करना था कि जो ये कह के गए वो सच है. अब मैं मुझे होश नहीं रही, स्टेज पे जाके धमाल कर रहा हूँ, गा रहा हूँ, आवाज़ें लगा रहा हूँ, और ऐसे स्पॉटलाइट ऊपर पड़ी हुई है, मुझे नहीं पता ऑडियंस कहाँ पे है, बिल्कुल अंधेरा है और मैं गा रहा हूँ, हॉल फुल है, लेकिन मैं ना एक पट्टी सी नज़र आ रही मुझे स्टेज की, उसके ऊपर मैं, मेरा स्टाइल था ऐसे ऐसे चिमटा बजाते हुए ये गया और आगे गया, तो हवा में मेरी टांग चली गई बिल्कुल, पता ही नहीं कि मैं अब कहाँ जाने वाला हूँ. तो मैं गिरा तो 8 फुट की बुलंदी से मैं नीचे गिरा. जब नीचे गिरा तो स्पॉटलाइट मुझे ढूंढ रही है और म्यूजिक चल रहा है. अब जैसे ही अब मर गया, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ टांग को, मैं मर, जैसे स्पॉटलाइट आई मैंने ऐसे से गिरना शुरू किया. अच्छा ऑनेस्टली ये हमारा फनकार है, आपको अंदाजा नहीं है
कि कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है, अनबिलीवेबल मेहनत है। और ये सिर्फ आरिफ भाई की नहीं, तमाम लोगों की, जितने भी मेरे आर्टिस्ट स्टार्स हैं, बिल्कुल स्टार्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। अच्छा एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। बहुत हमने कॉल्स नहीं लिए और बहुत लोग वेट कर रहे हैं। जुगनी का मतलब पूछ रहे हैं कि जुगनी का मतलब क्या है। सबसे पहले कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहिर भाई जी। जी आपका नाम? मिसेस सलीम बात कर रही हूँ कराची से। मिसेस कैसी हैं आप? से मैंने होल्ड किया, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं साहिर भाई, बस आरफ भाई के आने की खुशी में मैंने इतना लंबा होल्ड किया। आप बात कीजिए, आरफ भाई से बात कीजिए। हाँ आरफ भाई से ही बात करती हूँ। और साहिर भाई आज तो मुझे आरफ भाई के आने की खुशी में पास चाहिए, 4 लाजमी, ना नहीं कीजिएगा। मैं ना नहीं कर रहा, बिल्कुल ना नहीं कर रहा। आज जो भी कॉल कर रहा है और उनकी कॉल थ्रू हो रही है, उनको मैं पासेस दे रहा हूँ। डेफिनेटली आपको मिल गया पासेस जीत के समान। बहुत शुक्रिया। यही नहीं, और यही नहीं, और यही नहीं, और यही नहीं, मिसेस सलीम आपकी वजह से इन तमाम लोगों को भी हम जीत के समा के पासेस दे रहे हैं जो मेरे पास आ गए। बहुत शुक्रिया। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। आरफ भाई बहुत खुशी हुई है आपके आने की, आज समा ने ना ईद का समा बना दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मैं उम्मे कुलसुम बात कर रही हूँ। जी उम्मे कुलसुम कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या कहेंगी आप आरिफ भाई से? आरिफ भाई से बात करनी है जी, प्लीज बात कीजिए जी। मुझे है ना बहुत, कितनी देर से फोन मिला रही हूँ, वो मेरी उंगलियाँ थक गई जब उनका आपने ना आधा किस्सा सुनाया था मुझे, मतलब हम लोगों को कि वो बेटे का पासपोर्ट का, तो मैंने कहा शायद अब आपने नहीं बताना आगे कि मिला कि नहीं मिला। मैं मुस्तकिल यही बैठी हुई हूँ यकीन माने, और बराबर मिला रही हूँ, मुझे सिर्फ ये पता चल जाए। बहरहाल आपने बता दिया कि उनका पासपोर्ट मिल गया, मुझे बहुत ही उनका बेटा बहुत प्यारा लगा। वाह वाह वाह, मेरी बहुत दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें बहुत कामयाब करे, और बल्कि उनसे भी है ना अच्छा, आरिफ लाहौर से भी अच्छा उनका नाम हो दुनिया में, और बल्कि मेरा ख्याल है कि उनके दादा से भी ज्यादा तरक्की करे। मतलब मुझे उनके ना दादा भी बहुत ही पसंद थे, और आरिफ भाई की तो बात ही कुछ और है। मेरा मतलब है कि वो जुगनी वाला जो उन्होंने सुना दिया ना, उससे दिल ही खुशी हुई मुझे बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कराची से साइमा बोल रही हूँ। मैं कराची से साहिर बोल रहा हूँ, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। साहिर भाई मुझे आपका शो बहुत पसंद है और मैं आना चाहती हूँ। आप आ जाइए, कब? रिक्शा में बैठे फौरन आ जाएं। तो कहाँ पर आना है? यहीं पे यहाँ पर ये नागन चौरंगी के पास हमारा स्टूडियो है, वहाँ चले जाएं। अच्छा नहीं नहीं चले मत जाइएगा, आरिफ भाई से बात कीजिए, हम आपको पासेस दे देंगे। आरिफ भाई से बात कीजिए। साहिर भाई मुझे पास चाहिए। हाँ दे दिया पास। अच्छा ठीक, कब का? अभी अभी का, अभी इसके बाद हम शो दोबारा करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वो अच्छा एक गाना है जो इन दिनों पागल किया हुआ है उस गाने ने। हाँ जी। और इससे पहले कि हम गाने पे जाएं, 10 लाख से ज्यादा उसके वो हैं, क्या उसे कहते हैं कि तालियां तालियां, 10 लाख से ज्यादा हिट, 10 लाख से ज्यादा हिट। दो चीजें मुझे आपसे पूछनी है जल्दी जल्दी। पहले तो जुगनी का मतलब क्या है? जुगनी का मतलब होता है रूह की फील, जो रूह महसूस करती है, रूह की तशरीह तो हुई नहीं, जो वो महसूस करती है। लेकिन जुगनी जब पॉपुलर हुई, मेरे वाले साहब ने लिखी जब, तो इसकी बहुत सारे मैने बन गए। लोगों ने जैसे ये तावीज़ पहना होता है, इसका नाम जुगनी रख लिया, किसी ने तावीज़ को जुगनी कहना शुरू कर दिया, किसी ने किसी करेक्टर को जुगनी कहना शुरू कर दिया, जो एक चीज़ पॉपुलर हो जाती है। लेकिन रूह की फील का नाम है कि जो महसूस करता है बंदा वो बयान करता है। मैं महसूस करता हूँ कि आपको मेरे जीत के समा पे अली के साथ परफॉर्म करना चाहिए। आपसे मुझे वादा चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ आपकी टाइम अवेलेबिलिटी पे, नेक्स्ट मंथ आप जीत के समा पे परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह। और मैं एक्चुअली साहिर भाई, मैं उसे इंसिस्ट नहीं करना चाहता हूँ कि वो गाए, लेकिन अल्लाह ताला करे कि वो कुदरती कुछ वो करे तो ठीक है। तो मेरा वादा है कि मैं आपकी शो पे जरूर ले। सर 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 थैंक यू सो मच। वो गाना बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने खड़े हो जाना है, इधर आ जाना है, जैसे मर्जी आप चाहते हैं आप लोग कीजिए, गाना लगा दीजिए जी। हमारी तरफ से खुदा हाफिज, कल मिलेंगे। दिस इज आरिफ भाई। लगा दीजिए गाना, इसी गाने पे हम लोग एग्जिट करेंगे, आ जाएं। मोहब्बत दिल चौक लेके नहीं जांदे, मोहब्बत दिल चौक।